हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज आज मेरे पास बहुत सारे अपडेट हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MBA चाय वाला के बारे में। क्या MBA चाय वाला सच में एक पनौती है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये रिसेंटली मिले मोहम्मद शमी से, जिसके अगले दिन ही भाई ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद यार तुम शॉक हो जाओगे। जी हाँ, अगले दिन एक आर्टिकल पोस्ट हुआ जिसमें कुछ ये लिखा था ABP न्यूज की तरफ से, मोहम्मद शमी IPL 2024 से भी बाहर हुए। मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका। ये सुनने के बाद भाई शमी के जितने भी फैन थे वो इस बंदे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और सोशल मीडिया बहुत गलत तरीके से इसे ट्रोल भी किया था। यहाँ पर एक यूजर ने इस पनौती को लिखते हुए कुछ ये बोला, बर्बाद कर दिया भाई पनौती ने। इसी के साथ एक यूजर लिखते हुए बोलता है पता ही था। इसी के साथ एक यूजर और लिखते हुए कुछ ये बोलता है, लेकिन मैं आज मान गया साला है तो पनौती ही। पहले आखिर में एक बंदा लिखते हुए कुछ ये बोलता है, ऑस्ट्रेलियन टीम से मिलवा दीजिए इसको। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या MBA चाय वाला सच में एक पनौती है या नहीं, आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बात कर लेते हैं ब्लैकपिंक मेंबर लीजा के बारे में। तो रिसेंटली लीजा ने यार 100 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए इंस्टाग्राम पर। तो मैंने कांग्रेचुलेशंस फॉर लीजा। मैं थोड़ा लेट हूँ लेकिन एडजस्ट कर लेना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।